Hello students, in the last video we have studied about the continuous time signals, okay? And in this we have studied about the types of continuous time signals, okay? Now in this video we will study about the operations on continuous time signals, okay? What are the basic operations which we can perform on continuous time signals, okay? So there are total three operations. First is time स्केलिंग, ओके. सेकेंड होता है आपका टाइम शिफ्टिंग एंड थर्ड वन इज टाइम रिवर्सल. ओके, तो देयर आर टोटल थ्री ऑपरेशन, टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग एंड टाइम रिवर्सल. ओके, तो जो आपका टाइम स्केलिंग होता है, दैट मीन्स एक्स टी आपको गिवन है, वहां पर आप कर देंगे एक्स ऑफ ए टी, वेयर ए इज एनी कॉन्स्टेंट. शिफ्टिंग मीन्स x ऑफ t आपको गिवन है, वहां आप कर देंगे एक्स टी प्लस माइनस टी नॉट. एंड टाइम रिवर्सल मीन्स x ऑफ माइनस t, मीन्स एक्स टी का अगर आप x ऑफ माइनस t कैलकुलेट कर लें, देन इट इज कॉल्ड टाइम रिवर्सल. ओके, नाउ यहां पर अगर मैं टाइम स्केलिंग की बात करूं, तो यहां पर अगर आपका a जो है वो ग्रेटर देन वन होगा, तो आपका जो सिग्नल है वो आपका कंप्रेस हो जाएगा. सिमिलरली अगर आपका ए जो है वो लेस देन वन होगा, तो सिग्नल आपका एक्सपांड हो जाएगा. ठीक है ना, मतलब अगर एक्स टी जो सिग्नल होगा, जो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, तो अगर आप एक्स ऑफ ए टी परफॉर्म करते हैं, देन इफ ए इज ग्रेटर देन वन, देन ओरिजिनल सिग्नल विल बी कंप्रेस्ड, एंड इफ ए इज लेस देन वन, देन द सिग्नल विल बी एक्सपांड. ओके, नाउ शिफ्टिंग की अगर बात करूं मैं, यहां पर अगर आपका प्लस साइन होगा तो आप बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट होगी आपकी. सेम अगर आपका माइनस साइन होगा तो आपकी शिफ्ट होगी राइट. ओके, सो प्लस साइन के लिए लेफ्ट शिफ्ट और माइनस साइन के लिए राइट शिफ्ट. क्लियर है अच्छे से? और अगर आप थर्ड प्रॉपर्टी को देखें, तो जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड ऑपरेशन है, वो आपका जस्ट फर्स्ट ऑपरेशन का ही स्पेशल केस है. अगर आप फर्स्ट ऑपरेशन में ए की वैल्यू माइनस वन पुट कर देंगे, तो आपका थर्ड ऑपरेशन क्रिएट हो जाएगा. ओके, नाउ यहां पर मैं इन ऑपरेशंस को आपको पहले अंडरस्टैंड करवाने के लिए एक बेसिक सा एग्जांपल क्रिएट करता हूं. ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, सपोज करिए मैं एक यहां पर सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, एक ट्रायंगुलर पल्स ले रहा हूं. ओके, माइनस टू से प्लस टू, ओके टी, और आपको गिवन है एक्स ऑफ टी. ठीक है, अब इस एग्जांपल में मुझे कहा गया है कि सबसे पहले आप निकालिए एक्स ऑफ टू टी. ठीक है, मेरा टारगेट है कि मुझे x ऑफ 2t कैलकुलेट करना है. तो सबसे आसान मेथड क्या होता है? सबसे आसान मेथड ये होता है कि सपोज करिए आपको 2t कैलकुलेट करना है ना, तो जो नया कैलकुलेशन है दैट इज 2t को जो सिग्नल आपको गिवन है, वहां पर टाइम की हर एक वैल्यू के इक्वल करते जाइए. तो देखिए 2t इक्वल टू माइनस टू, ओके, तो t की नई वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? माइनस वन. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, टू टी इक्वल टू टू, ठीक है ना, टाइम की एक और वैल्यू गिवन है आपको एक्स टी में, टू टी इक्वल टू टू, तो टी कितना आ जाएगा आपका? वन आ जाएगा. ओके, तो ये दो आपकी न्यू वैल्यूज निकल आई टी की. ठीक है, तो इसका मतलब जो एक्स ऑफ टू टी होगा आपका, वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है, माइनस वन से लेकर प्लस वन. ओके, दिस इज योर टाइम एक्सिस, दिस इज एक्स ऑफ टू टी. क्लियर है अच्छे से? नाउ सपोज करिए आपसे अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है यहां पर, वो पूछ रहा है कि आप x ऑफ t बाई टू कैलकुलेट करिए. ठीक है, आपको एक्स टी गिवन है, सेम क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एक्स टी आपको गिवन है और आपको बोला कि आप x ऑफ t बाई टू कैलकुलेट करिए. ओके, तो यहां पर अब आप देखिए, आप क्या करिए, फिर से t बाई टू को इक्वल करिए माइनस टू के, तो t की नई वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस फोर. और t by 2 को इक्वल करिए आप प्लस टू के, तो t की नई वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? प्लस फोर. तो आपने जो xt में आपको टाइम गिवन था, उस टाइम के इक्वल अपने t by 2 को आप करते गए, जिससे आपको t की दो नई वैल्यूज मिल गई. ठीक है, तो यहां पर जो x ऑफ t by 2 है, वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा आपका, माइनस फोर से लेकर प्लस फोर टी एक्स ऑफ t by 2. ओके, क्लियर है अच्छे से? तो यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं
कि x ऑफ 2t के केस में क्या हुआ था, x ऑफ 2t के केस में सिग्नल जो था आपका वो कंप्रेस्ड हुआ था। देखिए xt आपका माइनस टू से प्लस टू तक था और x ऑफ 2t जो बना वो माइनस वन से प्लस वन तक था। सिमिलरली x ऑफ t बाय टू में क्या हुआ, x ऑफ t बाय टू में सिग्नल आपका एक्सपांड हो गया, ठीक है ना, माइनस फोर से प्लस फोर तक बन गया, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं 2t मतलब a इज ग्रेटर देन वन, तो सिग्नल हुआ कंप्रेस्ड जो हमने यहां स्टडी किया था। एंड x ऑफ t बाय टू दैट मीन्स a कितना हो गया हाफ विच इज लेस देन वन, तो सिग्नल क्या हो गया आपका एक्सपांड हो गया, ठीक है। तो ये हमने प्रूफ कर दिया कि a ग्रेटर देन वन होने पर कंप्रेस्ड होगा एंड a लेस देन वन होने पर एक्सपांड होगा। क्लियर है अच्छे से। नाउ अब यहां पर एक और तरीका है आपको समझाने का या आपको याद रखने का, वो क्या है, देखिए आपने यहां पर 2t जब कैलकुलेट किया था तो टाइम की हर एक वैल्यू के इक्वल किया था, ठीक है। मान लीजिए यहां पर आपको टाइम की 10 वैल्यूज गिवन होती तो क्या आप पूरी 10 वैल्यूज के इक्वल करते रहते उसको, एग्जाम में आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाता। तो आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आना चाहिए, जब भी इक्वेशन में मल्टीप्लाइड होगा, देखिए यहां पर टी के साथ मल्टीप्लाइड था टू, तो देखिए फिगर में क्या हुआ, फिगर में टू से डिवाइड हो गया, माइनस वन टू प्लस वन आ गया। अब देखिए यहां पर x ऑफ t बाय टू, तो t के साथ डिवाइड में था टू, तो फिगर में क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से याद रखना आना चाहिए कि जब भी आप स्केलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करें, ठीक है, तो अगर स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई है विद t के साथ तो फिगर में हमेशा डिवाइड होगा, अगर स्केलिंग फैक्टर डिवाइड है टी से तो फिगर में हमेशा क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई होगा। ओके क्लियर है अच्छे से। नाउ अगर मैं फिर से सेम एग्जांपल कंसीडर कर लूं एक्स ऑफ टी का, ठीक है, सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूं और यहां पर मैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का एनालिसिस अब पहले कर लेता हूं। तो आप देखिए मुझे कहा गया है कि आप एक्स ऑफ टी प्लस थ्री कैलकुलेट करिए, यहां पर भी सेम प्रोसेस होगा आपका, पहले आप t प्लस थ्री को इक्वल करिए माइनस टू के, तो t की नई वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, माइनस फाइव। अब आप t प्लस थ्री को इक्वल करिए प्लस टू के, ठीक है, तो जो t की नई वैल्यू है आपकी वो कितनी आ जाएगी आपकी, माइनस वन। ओके तो पहले आपकी रेंज थी माइनस टू से प्लस टू, ठीक है ना, टाइम की रेंज थी माइनस टू से प्लस टू, अब आपकी जो टाइम की रेंज है वो है माइनस वन से माइनस फाइव। दैट मीन्स कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका x ऑफ t प्लस थ्री, टी टाइम एक्सेस और ये आपका फिगर बन गया, ओके माइनस वन से माइनस फाइव तक। क्लियर अच्छे से। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने इंडिकेट भी किया है प्रॉपर्टी में कि जब भी आपका साइन प्लस होता है हमेशा क्या शिफ्ट होगा, लेफ्ट। तो आप देख लीजिए यहां पर आपका लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप x ऑफ t माइनस थ्री करेंगे तो आपका सिग्नल जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका वन और ये हो जाएगा फाइव। क्लियर है। तो ये बन जाएगा x ऑफ t माइनस थ्री। ओके तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर आप कैसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, देखिए जब भी साइन आपका प्लस रहेगा ना, आपको ध्यान में रखना है कि लेफ्ट साइड शिफ्ट होने वाला है। तो लेफ्ट साइड शिफ्ट कब होगा, जब आप हर एक टाइम की वैल्यू में कुछ ना कुछ माइनस करेंगे तभी तो लेफ्ट साइड जाएगा ना वो। तो इसका मतलब क्या करना है, जब भी साइन प्लस होगा तो जो प्लस के साथ जो वैल्यू है, जैसे यहां पर प्लस थ्री है, ठीक है ना, तो आप हर एक टाइम की वैल्यू पर थ्री से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ओके तो माइनस टू माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस फाइव। टू माइनस थ्री कितना हो गया, माइनस वन। अब ये क्या है, टी माइनस थ्री है, आपको पता है माइनस साइन है तो राइट साइड शिफ्ट होगा। तो राइट साइड कब शिफ्ट होगा, जब आप ऐड करेंगे, तो आप हर एक पॉइंट पे थ्री से ऐड कर दीजिए, माइनस टू प्लस थ्री वन, टू प्लस थ्री फाइव। ओके क्लियर है अच्छे से। और सपोज करिए कभी आपको लगता है कि आप भूल जाएंगे कि प्लस में लेफ्ट होता है या माइनस में राइट होता है, तो उसका लिए भी एक आसान तरीका है, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे आपको टी प्लस थ्री परफॉर्म करने बोला है ना, तो आप क्या करिए, t प्लस थ्री को इक्वल टू जीरो कर दीजिए, जो भी परफॉर्म करने बोला है उसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए। तो t की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस थ्री आ जाएगी ना। तो अब क्या करिए, जो भी t की वैल्यू आ रही है ना
उसको जो t की सारी वैल्यूज अवेलेबल हैं xt में, ठीक है ना, उस वैल्यू के साथ ऐड कर दीजिए. तो -2 -3 -5 2 -3 -1, ओके. तो बहुत ही ज्यादा आसान है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमने शिफ्टिंग और स्केलिंग को सेपरेटली तो देख लिया, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके, मैं यहां पर एक क्वेश्चन कंसीडर करने जा रहा हूं आपके लिए. एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली वो इस तरीके से आते हैं कि शिफ्टिंग और स्केलिंग या शिफ्टिंग और रिवर्सल आपको एक साथ परफॉर्म करना होता है, ठीक है. मीन्स जब भी कोई दो ऑपरेशन एक साथ परफॉर्म करने हो तो किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए मैं एक डायग्राम आपके लिए कंसिडर कर रहा हूं जिसपे हम लोग सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. ओके, क्लियर है अच्छे से. तो ये मैं डायग्राम यहां पर लेने जा रहा हूं. ओके, ये आपका डायग्राम है, कुछ इस तरीके से डायग्राम मैं बना रहा हूं. ये है आपका डायग्राम, ठीक है. तो इस डायग्राम के लिए हम लोगों को कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है. यहां पर मैं कुछ वैल्यूज लिख देता हूं आपके लिए, -2 -1 1 2 एंड 3. ओके, तो यहां पर आप देखिए हमें परफॉर्म करना है x ऑफ 2t+1. ओके, हमें परफॉर्म करना है x ऑफ 6 -t, और हमें परफॉर्म करना है x ऑफ -3 -t. ओके, तो ये सपोज करिए हमें 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. तो अगर आप ध्यान से देखें फर्स्ट ऑपरेशन को, तो फर्स्ट ऑपरेशन जो है आपका वो मिक्सचर है स्केलिंग का और शिफ्टिंग का, ठीक है ना. यहां पर आपका 2 स्केलिंग फैक्टर है और 1 जो है वो शिफ्टिंग है. तो किस तरीके से हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं जब हमें शिफ्टिंग और स्केलिंग एक साथ करनी होगी, तो कुछ नया नहीं करना अभी हमें. हमें क्या करना है, जो अभी हमने सीखा है ना, कि जो भी आपको परफॉर्म करना है उसे टाइम की हर एक वैल्यू के इक्वल करते जाइए. जो भी आपकी नई टाइम की वैल्यूज आएंगी उसके हिसाब से अपने डायग्राम को बना दीजिए. ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए एक्स ऑफ 2t+1 जब हम परफॉर्म करेंगे यहां पर, तो आप देखिए 2t+1 को आप सबसे पहले किस टाइम के इक्वल करेंगे, -2 के. तो 2t+1 अगर -2 है, ठीक है, तो ये 2t कितना हो जाएगा, -3. तो t कितना हो जाएगा, -3/2. क्लियर है अच्छे से. नाउ 2t+1 अगर आपका -1 है तो t की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 -1 -2 -2/2 -1. अब अगर 2t+1 आपका नेक्स्ट वैल्यू कितनी गिवन थी, आप देख लीजिए यहां पर, आप चाहें तो 0 को भी कंसीडर कर सकते हैं, 0 है, तो t कितना हो जाएगा आपका -1/2. अब अगर देखें 2t+1 अगर आपका 1 है तो t कितना आ जाएगा आपका, 0. अब अगर 2t+1 आपका अगर 2 है तो t कितना हो जाएगा आपका, 1/2. और लास्ट वैल्यू आपको गिवन है 2t+1 = 3, तो t कितना हो जाएगा आपका, 3 - 1 = 2, 2/2 = 1. ओके, तो ये आपकी नई वैल्यूज आ गई, ठीक है ना. तो जो xt आपका -2 से +3 तक फैला हुआ था, x ऑफ 2t+1 जो है वो -3/2 से 1 तक फैला हुआ है. ओके, क्लियर है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. अब देखिए अब हमें क्या करना है, बस इस डायग्राम को दोबारा से बना देना है, क्लियर. पर हमें जो इसका टाइमिंग रखनी है या जो उसकी रेंज रखनी है टाइम की, वो कहां से कहां तक रखनी है, वो रखनी है -3/2 से 1 तक. ओके, तो सबसे पहले हम डायग्राम को यहां पर बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो यहां पर ये आपका टी एक्सिस हो गया, ओके, और ये एक्सिस हो गया आपका XT, ठीक है. अब आप देखिए अगर मैं यहां पर डायग्राम को आपके लिए बनाना शुरू करूं, तो डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा था. देखिए आपका फर्स्ट पॉइंट क्या है, -3/2, वो कब आया, -2 की जगह, मतलब जहां पर आपका -2 था वहां पर क्या आ जाएगा, -3/2. तो आप लिख दीजिए यहां पर -3/2, ठीक है. अब देखिए जहां पर आपका -1 था वहां पर क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है, तो आप -1 की जगह -1 लिख दीजिए. नेक्स्ट देखिए आप जहां पर आपका 0 था, ठीक है ना, उसकी जगह क्या आया है, -1/2, ठीक है ना. तो जहां पर आपका 0 था यहां पर मैं ले रहा हूं -1/2. ओके, क्लियर है अच्छे से. अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जहां पर आपका 1 था
ठीक है ना, मतलब जहां से वापस से देखिए इंक्रीज होना स्टार्ट होता है, ठीक है ना, माइनस वन से वन तक कांस्टेंट रहता है, फिर वन से दोबारा इंक्रीज होता है फिगर। तो जहां पर आपका वन था, वन के करस्पॉन्डिंग क्या आया, आपका जीरो आया है, मतलब यहां पर आपका फिगर जो है वो जीरो से स्टार्ट हो जाएगा इंक्रीज होना, ठीक है ना। मतलब जब भी आप टी इक्वल टू जीरो पर पहुंचेंगे तो आपका फिगर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ अब आप देखिए नेक्स्ट क्या हो रहा है आपका, जहां पे आपका टू था वहां पर आप देखिए क्या हो रहा है आपका, वहां पर आपका हो रहा है वन बाय टू। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं जहां पर आपका टू है वहां पर आपका हो जाएगा वन बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आप फिगर को इस तरीके से यहां पर क्लोज करेंगे वन बाय टू पर। ओके, नाउ नेक्स्ट आप देखिए, अब जहां पर आपका थ्री था वहां पर आपका क्या है, वन है, ठीक है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ओके, तो ये आपका कंप्लीट बन गया x ऑफ 2t प्लस वन, क्लियर है अच्छे से। तो ये फिगर होगा हमारा x ऑफ 2t प्लस वन का। ओके, नाउ इस तरीके से तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है ना, कि 2t प्लस वन इक्वल टू पहले माइनस टू किया, फिर माइनस वन किया, फिर जीरो किया, फिर वन किया, फिर टू किया, फिर थ्री किया। देखिए हमने बहुत सारा कैलकुलेशन किया यहां पर, जो हमने ये मेथड यूज किया है x ऑफ 2t प्लस वन बनाने के लिए। क्या एग्जाम में इतना कैलकुलेशन करने की नीड है हमें, क्या हम किसी और तरीके से डायरेक्ट बना सकते हैं? हमें बहुत सारी बातें यहां समझने की जरूरत है। क्यों, देखिए कई बार क्या होता है एग्जाम में, जब हम 2t प्लस वन इक्वल टू कोई वैल्यू करते हैं या कोई भी कैलकुलेशन करते हैं प्लस माइनस वाला, तो हमसे एग्जाम में कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो जब आप इतने सारे कैलकुलेशन करेंगे तो चांसेस हैं कि आप गलती कर जाएं और आप टाइम भी बहुत वेस्ट करेंगे इतने सारे कैलकुलेशन में। तो अगर आपको स्केलिंग और शिफ्टिंग एक साथ परफॉर्म करनी है तो मैं आपको अब एक न्यू मेथड बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो वो मेथड क्या है आपका, ध्यान से समझिएगा, इस मेथड में हम लोग पहले परफॉर्म करेंगे शिफ्टिंग, देन हम लोग परफॉर्म करेंगे स्केलिंग। ओके, तो यहां पर क्या होगा इस मेथड में, आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है इस मेथड में, अगर मैं बिल्कुल आपको लेहमैन लैंग्वेज में ये मेथड समझाऊं, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, x ऑफ 2t प्लस 1 परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, जो भी t के साथ आपको दिख रहा है, जो भी t के साथ दिख रहा है उसको आप कंसीडर मत करिए। तो सोचिए t के साथ कुछ है ही नहीं, तो अगर t के साथ जो भी आपको मल्टीप्लाई में दिख रहा है अगर आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ x ऑफ t प्लस वन, ठीक है। तो सबसे पहले आप x ऑफ t प्लस वन कैलकुलेट कर लीजिए। तो यहां पर मैं x ऑफ t प्लस वन कैलकुलेट कर लेता हूं। x ऑफ t प्लस वन अब हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका शिफ्टिंग प्रोसेस है। बीच में साइन क्या है आपका, प्लस है, मतलब किस साइड शिफ्ट होगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, अपने xt को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिए आपका xt जो है जब लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस थ्री, और ये जो लास्ट वैल्यू है ये क्या हो जाएगी आपकी, टू हो जाएगी, ठीक है ना, क्लियर अच्छे से। तो यहां पर हम इसे लेफ्ट साइड शिफ्ट करने की अब कोशिश करते हैं। देखिए ये वैल्यू जो है आपकी माइनस थ्री हो गई, ठीक है, उसके बाद ये वैल्यू हो गई माइनस टू, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है, ठीक है ना, जहां पर वापस से इंक्रीज होगा वो क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी आपकी, वन, एंड जो लास्ट वैल्यू है आपकी दैट विल बी टू। ओके, तो ये आपका एक्स ऑफ टी प्लस वन यहां पर परफॉर्म हो गया, ठीक है। आप अगर चाहें तो इस लाइन को थोड़ा सा स्ट्रेट कर दीजिए, क्योंकि ये लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है ना, ठीक है। तो हम यहां पर इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉइंट नंबर टू, ठीक है। अब आप यहां पर देखिए x ऑफ t प्लस वन परफॉर्म हो गया। तो मैंने आपको क्या बोला इस मेथड में, कि जो भी आपको t के साथ एम्पलीट्यूड दिखाई दे रहा है उसे आप पहले लीव कर दीजिए। तो हमने क्या ड्रॉ किया, x ऑफ t प्लस वन। अब आप देखिए कि t के साथ आपने क्या कंसीडर नहीं किया था, t के साथ क्या था जो आपने कंसीडर नहीं किया था, टू था, और टू किस पे था, t के साथ मल्टीप्लाई में था। मतलब अब आप स्केलिंग का इफेक्ट लेने वाले हैं। तो मैंने आपको क्या सिखाया था अभी थ्योरी में थोड़ी देर पहले, कि जब भी आपका कांस्टेंट जो है t के साथ जो मल्टीप्लाई है तो फिगर में हमेशा क्या होगा, वो डिवाइड होगा, ठीक है ना, क्लियर अच्छे से।
तो यहां पर जो 2 है वो t के साथ मल्टीप्लाई है, तो फिगर में क्या कर दोगे आप उसे, डिवाइड। तो मैं इसी स्टेप में ही डायरेक्टली x ऑफ 2t plus 1 बना रहा हूं, ठीक है ना। तो x ऑफ 2t plus 1 के लिए आप क्या करोगे, हर एक पॉइंट पे डिवाइड बाय 2 कर दो बस, ठीक है ना। इतना ज्यादा आसान है। क्या करना है आपको सबसे पहले कि स्केलिंग फैक्टर जो भी है उसे आप पहले भूल जाइए, ठीक है ना, उसे आप कंसीडर मत करिए, ओनली शिफ्टिंग परफॉर्म करिए। फिर जो स्केलिंग फैक्टर आपने कंसीडर नहीं किया था उसे आप अप्लाई कर दीजिए। तो अब आप देखिए यहां पर क्या आंसर आपका सेम आया है जो आपने अभी अभी निकाला था। तो देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, माइनस 3 बाय 2, यस यहां पर भी माइनस 3 बाय 2 था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, माइनस 1, यस यहां भी माइनस 1 था, ठीक है। और 0 पर इंक्रीज हो रहा था वापस से, यस यहां पर भी 0 से वापस इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपका, 1 बाय 2, एंड लास्ट पॉइंट था 1, यहां पर देख लेते हैं, यस नेक्स्ट पॉइंट आपका 1 था और लास्ट पॉइंट था आपका 1, मतलब आंसर आपका बिल्कुल ही सेम आया है। तो देख लीजिए मेथड कितना शॉर्ट था आपके लिए, आपको सिर्फ और सिर्फ पहले x ऑफ t प्लस 1 परफॉर्म करना था, उसके बाद आपको 2 को अप्लाई कर देना था, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना था इस मेथड में, ठीक है। वैसे एक और मेथड है जिस मेथड में अगर टेक्निकली मैं आपको बोलूं तो वहां पर आप स्केलिंग पहले परफॉर्म करेंगे उसके बाद आप परफॉर्म करेंगे शिफ्टिंग, ओके। तो स्केलिंग देन शिफ्टिंग, तो इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लास्ट मेथड से, ठीक है, पर हम इसको भी सीख लेते हैं। पहले आपको स्केलिंग परफॉर्म करना है ना, तो सबसे पहले आप क्या करिए, x ऑफ 2t परफॉर्म कर लीजिए। तो x ऑफ 2t परफॉर्म करना तो बहुत इजी है, क्योंकि आपको पता है जब भी आप सिर्फ स्केलिंग करते हो तो अगर t के साथ मल्टीप्लाई है तो फिगर में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम बड़े आराम से बना सकते हैं x ऑफ 2t, ठीक है ना, एज इट इज फिगर को पहले ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां पर हर एक पॉइंट पे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये माइनस 2 था तो माइनस 1, माइनस 1 बाय 2, 0, 1 बाय 2, 1 एंड 3 बाय 2, ठीक है। तो ये आपका फिगर हो जाएगा, ठीक है ना, जो हमें क्वेश्चन में सिंपल सा xt आपको गिवन है उसी xt में हमने हर एक पॉइंट पे डिवाइड बाय 2 कर दिया, ठीक है। अब आप देखिए x ऑफ 2t निकल गया ना, हमें बनाना क्या है, हमें करना है x ऑफ 2t प्लस 1। पर यहां पर इस मेथड में एक प्रिकॉशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, वो क्या है, जब भी आप ये मेथड यूज करेंगे, दैट मींस पहले स्केलिंग देन शिफ्टिंग, देन आपको शिफ्टिंग करते टाइम क्या ध्यान रखना है ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑपरेशन, कि जो आपका शिफ्टिंग नंबर है, शिफ्टिंग नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय स्केलिंग नंबर, ओके विथ साइन। शिफ्टिंग नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय स्केलिंग नंबर विथ साइन, मतलब आपको शिफ्टिंग जो है वो 2t प्लस 1 है ना, तो 1 से नहीं करनी है आपको, जो शिफ्टिंग करनी है शिफ्टिंग नंबर डिवाइडेड बाय स्केलिंग नंबर विथ साइन से करनी है। तो यहां पर शिफ्टिंग नंबर क्या था आपका, 1, स्केलिंग नंबर क्या था 2, और दोनों के साइन प्लस थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, प्लस 1 बाय 2, ठीक है ना। ध्यान से आप देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ था, 2t प्लस 1, शिफ्टिंग नंबर क्या है 1, स्केलिंग नंबर क्या है 2, तो 1 बाय 2, दोनों के साइन आपके प्लस थे, तो आपको शिफ्टिंग जो करनी है वो 1 से नहीं करनी है, यहां पर 1 बाय 2 से करनी है। और शिफ्टिंग के पहले जो साइन है वो क्या है आपका, प्लस है। इसका मीनिंग क्या है, जब भी प्लस साइन होता है शिफ्टिंग में तो किस साइड शिफ्ट होता है, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कब शिफ्ट होगा, जब आप टाइम की हर एक वैल्यू में से हाफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 बाय 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आप, माइनस 1 माइनस 1 बाय 2 कितना आ जाएगा, माइनस 3 बाय 2, क्या यही था हमारा आंसर, यस माइनस 3 बाय 2 था। अच्छा, माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, यस नेक्स्ट पॉइंट हमारा माइनस 1 था। नाउ 0 माइनस 1 बाय 2, माइनस 1 बाय 2 था क्या हमारे पास, आप देख सकते हैं यहां मैंने शो किया था माइनस 1 बाय 2 ही है। नेक्स्ट देखिए, 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2 0 था क्या, यस 0 पे वापस इंक्रीज हुआ था। नेक्स्ट देखिए, 1 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2 था क्या, यस 1 बाय 2 ही था आपके लिए। लास्ट देखिए, 3 बाय 2 माइनस 1 बाय 2, क्या लास्ट पॉइंट आपका 1 था,
यस 2 बाय 2 आपका 1 था लास्ट पॉइंट, तो आंसर फिर से आपका बिल्कुल सेम आया है. ओके तो ये मेथड जो सेकंड मेथड और थर्ड मेथड हमने अभी यूज किए हैं, ठीक है ना, जो ये दो मेथड मैंने आपको बताए, पहले शिफ्टिंग फिर स्केलिंग या पहले स्केलिंग फिर शिफ्टिंग, इस मेथड में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं और उसे ही आप यूज करिए हमेशा. ओके क्लियर है अच्छे से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर कंसीडर करते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना था x ऑफ 6 माइनस t. ओके तो यहां पर अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन x ऑफ 6 माइनस t, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x ऑफ माइनस t प्लस 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है. तो यहां पर अब मैं मेथड्स यूज करूंगा डायरेक्टली जो मेथड हमने सीखे हैं. तो पहला मेथड हमने क्या सीखा है, पहले शिफ्टिंग देन स्केलिंग. ओके तो यहां पर पहले हमें शिफ्टिंग करनी है. तो इसमें आपको मैंने क्या सिखाया है कि जो भी आपको t के साथ दिख रहा है ना उसे आप कंसीडर मत करिए, t के साथ जो भी मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है उसे आप कंसीडर मत करिए. तो t के साथ यहां पर आपको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, तो आप माइनस को कंसीडर मत करिए. तो सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करने वाले हैं, यहां पर सबसे पहले आप ड्रॉ करने वाले हैं x ऑफ t प्लस 6. ओके तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका t प्लस 6 है, दैट मींस लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है ना, बाय 6. तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपको xt गिवन है, ठीक है ना, xt में हर एक पॉइंट पे आपको माइनस 6 कर देना है. तो ये लास्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, माइनस 8, ठीक है. और ये जो पॉइंट है 3 वाला, जब आप 3 माइनस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 3. ओके तो यहां पर आप देख सकते हैं पूरा डायग्राम ही आपका लेफ्ट साइड बन जाएगा, ठीक है. तो यहां पर मैं डायग्राम को ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए. डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा. ओके यहां पर पॉइंट जो होगा आपका ये वाला, ये बन जाएगा माइनस 3 एंड दिस पॉइंट इज माइनस 8, दिस इज माइनस 7, ठीक है. और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा फिर, माइनस 5 एंड दिस इज माइनस 4. ओके तो इस तरीके से आपका पॉइंट बन जाएगा. आप पूरे के पूरे डायग्राम को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे बाय 6, मतलब हर एक टाइम की वैल्यू में आप 6 को माइनस कर देंगे. ओके नाउ आपने किया क्या था, यहां पर आपने टी के साथ जो माइनस साइन था उसको कंसिडर नहीं किया, मतलब स्केलिंग फैक्टर को आपने कंसिडर नहीं किया, ठीक है. तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उस स्केलिंग फैक्टर को कंसीडर करेंगे. यही था ना आपका मेथड, जब आप स्केलिंग करेंगे तो आपको यहां पर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, वो नेक्स्ट मेथड में करना पड़ता है. जब आप पहले स्केलिंग कर लें तो शिफ्टिंग के टाइम पे आपको शिफ्टिंग नंबर डिवाइडेड बाय स्केलिंग नंबर करना पड़ता है. यहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब आप पहले शिफ्टिंग करते हैं तो स्केलिंग के टाइम पे आप स्केलिंग डायरेक्टली कर सकते हैं. ओके तो स्केलिंग आपको माइनस से कर दी है, मतलब रिवर्सल, ये थी आपकी थर्ड ऑपरेशन जहां पर आपको रिवर्सल करना है. तो रिवर्सल भी मैं आपको बता दूं बहुत इजी होता है, कुछ करना नहीं है आपको, बस पूरे फिगर को आप पलट दीजिए वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मतलब जो आपका माइनस 3 है ना वो बन जाएगा प्लस 3, माइनस 4 बन जाएगा प्लस 4, माइनस 5 बन जाएगा प्लस 5, ठीक है, माइनस 7 बन जाएगा प्लस 7 और माइनस 8 बन जाएगा प्लस 8, ठीक है. तो पूरे फिगर को आप पलटी कर दीजिए वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, क्लियर है अच्छे से, बन जाएगा यहां पर. तो हम इसको बना लेते हैं, ठीक है. तो अब आपका डायग्राम जो है कंप्लीटली पॉजिटिव साइड बन जाएगा, ठीक है. तो ये आपका फुल एंड फाइनल बन जाएगा x ऑफ माइनस टी प्लस 6. ओके तो यहां पर अब मैं डायग्राम को पलटी करने जा रहा हूं, ठीक है. तो सबसे पहले मैं माइनस 4 से माइनस 8 को पलट देता हूं, जो कि बन जाएगा 4 to 8. ओके तो यहां पर डायग्राम आपका 4 to 8 कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको. ओके ये बन गया आपका 4 to 8, 4 5 7 8. ओके नाउ अब आप देखिए जो आपका माइनस 3 है वो प्लस 3 बन जाएगा, ठीक है. तो माइनस 3 आपका प्लस 3 बन गया, ये लाइन थी आपकी. उसके बाद जो माइनस 4 था वो क्या बन जाएगा आपका, प्लस 4. तो ये आपका डायग्राम यहां पर कंप्लीट हो गया x ऑफ माइनस टी प्लस 6. ओके क्लियर अच्छे से. नाउ अब इसी सेम क्वेश्चन को जो x ऑफ माइनस टी प्लस 6 है, हम एक और मेथड से यहां पर बना लेते हैं. आप समझने की कोशिश करिएगा इसको. जो आपका नेक्स्ट मेथड है वो फिर से आपका सेम है. मैं समझने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया नया है, ठीक है ना. सारे चीजें जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल नए तरीके की हैं,
तो आपको मैं दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूं और आप दोनों एग्जाम्पल में ही पूरी तरीके से एफर्ट लगाइए समझने का, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा ये। और इसके एग्जाम्पल के बाद भी आप कुछ और रैंडमली कोई भी फिगर ड्रॉ करते जाइए अपने मन से और उस पे दोनों मेथड से आंसर निकाल के देखिए कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड क्या है आपका, पहले स्केलिंग देन आपको शिफ्टिंग करना है, क्लियर है। तो यहां पर अगर आप पहले स्केलिंग करते हैं तो आपका फिगर किस तरीके से हो जाएगा देखिए। यहां पर स्केलिंग मतलब क्या है, टाइम रिवर्सल है ना, मतलब x ऑफ माइनस t आपको परफॉर्म करना है सबसे पहले। ओके, तो यहां पर आप देखिए जो आपका xt है, जो क्वेश्चन में आपको गिवन है xt, वहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस टू से प्लस टू तक तो बिल्कुल सिमेट्रिकल है फिगर। तो जब आप इसको पलटेंगे y एक्सिस के रेस्पेक्ट में तो फिगर आपका बिल्कुल सेम बन जाएगा, ठीक है ना। मेन जो ये आपका 2 to 3 तक आपने एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है ना, वो आपका जो राइट साइड बना हुआ है वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, मतलब जो 3 है वो -3 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है अच्छे से। तो यहां पर मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए एक्स ऑफ माइनस टी। ओके, तो सबसे पहले जो सिमेट्रिकल डायग्राम है उसे हम बना लेते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपका डायग्राम हो जाएगा यहां पर ये, ठीक है। अब ये जो आपका है ट्रायंगल वो इस तरीके से बन जाएगा, -3 पर आ जाएगा जो आपका +3 पर था। तो -3 -2 -1 0 1 2। ओके, तो आपका फिगर पलटी खा गया यहां पर, तो क्या बन गया x ऑफ माइनस टी। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अब हमें परफॉर्म करना है x ऑफ माइनस टी +6 था, तो हमें क्या करना होगा, क्या सिखाया हूं, जब आप पहले स्केलिंग परफॉर्म करें तो ड्यूरिंग शिफ्टिंग ऑपरेशन, शिफ्टिंग ऑपरेशन के टाइम पे आपको क्या करना है कि जो आपका स्केलिंग नंबर है और शिफ्टिंग नंबर है दोनों के यूज करके आपको नया शिफ्टिंग नंबर कैलकुलेट करना है। तो कैसे करते हैं हम लोग कि शिफ्टिंग नंबर, शिफ्टिंग नंबर क्या है, माइनस टी प्लस सिक्स था ना, तो +6 है। स्केलिंग नंबर, स्केलिंग नंबर क्या है, माइनस टी मतलब -1 था, ठीक है। तो ये जो आंसर अब आपका आएगा -6, तो आपको जो शिफ्टिंग अब करनी है वो +6 से नहीं करनी, वो आपको -6 से करनी। और -6 से शिफ्टिंग कर लेने के बाद ये आंसर आपका एक्चुअल में आना चाहिए जो हमने एक मेथड से कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए क्या यही आंसर आएगा आपका, देख लीजिए आप। जब आप -6 से शिफ्टिंग करेंगे मतलब किस साइड शिफ्ट होगा आपका, लेफ्ट साइड की राइट साइड, ऑब्वियसली बात है राइट साइड शिफ्ट होगा। जब भी साइड माइनस होता है तो राइट साइड शिफ्ट होता है, तो राइट साइड कब शिफ्ट होगा आपका, जब आप +6 +6 करेंगे हर एक पॉइंट पे, तो 2 + 6 = 8, 1 + 6 = 7, क्या 7 और 8 आ रहे हैं आपके पॉइंट, यस बिल्कुल आ रहे हैं आपके, ठीक है। आप लास्ट पॉइंट को भी चेक कर लीजिए, लास्ट पॉइंट को अगर आप चेक करें यहां पर तो आप देखिए -3 + 6, क्या आपका 3 आ रहा है यहां पर पॉइंट, आप देख लीजिए यहां पर, यस बिल्कुल आपका पॉइंट जो है वो 3 ही आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो आपका आंसर फिर से वही आ जाएगा जो आपने लास्ट मेथड से कैलकुलेट किया था, क्लियर है। तो इस तरीके से आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द सिग्नल्स, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है इसका वो आपके लिए होमवर्क है, उसे आप खुद से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए। ओके, नाउ अब हम लोग क्या स्टडी करेंगे, जो हम लोगों ने यहां पर ऑपरेशन स्टडी किए हैं ना, उस ऑपरेशन के बेस पर अब हम स्टडी करेंगे ऑपरेशंस ऑन स्टेप इनपुट। ओके, तो हम यहां पर अब स्टडी करने वाले हैं ऑपरेशंस ऑन स्टेप सिग्नल, ठीक है, स्टेप फंक्शन। तो इस पे हम ऑपरेशन अब परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इसे, मैं यहां पर एक स्टेप इनपुट ले रहा हूं, ठीक है, यूटी, आपको एक स्टेप फंक्शन गिवन है यूटी, ठीक है, यूनिट स्टेप ले रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका बन जाएगा ये 1 और ये क्या हो जाएगा 0। नाउ अब आप देखिए, अगर मैं आपको बोलूं कि अब आप बनाइए यू ऑफ 3t, ओके, तो आप किस तरीके से बनाएंगे, आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। देखिए ध्यान से, यहां पर अगर आपको यू ऑफ 3t परफॉर्म करना है, ठीक है ना, तो आपको स्केलिंग परफॉर्म करनी है, और आपको पता है जब भी स्केलिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होता है टी के साथ तो फिगर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सपोज करिए आपको यहां पर 1 पॉइंट है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है,
यहां पर 5 है, यहां पर 6, 7, 8, 9, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। आपको पता है अप टू इंफिनिटी तक बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, और आपको यह भी पता है ना कि 1 और 2 के बीच में भी ढेर सारे पॉइंट होंगे, 1.1, 1.11, 1.11111, ठीक है ना। बट यहां पर मैं सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आपको शो कर रहा हूं। तो अब आप देखिए, ये पूरा टी जो है इनफिनाइट तक है, क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड है पूरा इनफिनाइट तक फैला हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए, जब आप 3 से टी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिगर में क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डिवाइड करने से पहले अगर आप यूटी को देखें तो यूटी 1 पे कितना है, 1, 2 पर कितना है, 1, 3 पर कितना है, 1, 4 पे 1, 5 पे 1, 100 पे 1, 1000 पे 1, हर एक वैल्यू के लिए जो 0 से बड़ी है सब पे वैल्यू आपकी 1 है, ठीक है। आप देखिए, अगर मैं यहां पर 3 से डिवाइड कर दूं हर एक पॉइंट को, तो 0/3, 1/3, 2/3, 3/3, 4/3 एंड सो ऑन, ओके। तो अब आप देखिए, पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 थाउजेंड करोड़ हर एक वैल्यू के लिए, टाइम की हर एक वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड क्या था आपका, 1 था। अब आप देखिए, पहले 1 पे 1 था ना, अब देखिए 3/3 क्या होता है, 1 होता है, अभी 1 पे कितना है, 1 है। 6/3 कितना होता है, 2 होता है, तो अभी 2 पर कितना है, 1 है। 9/3 कितना होता है, 3 होता है, तो अभी 3 पर कितना है, 1 है। मान लीजिए 999/3 कितना होगा, 333, तो उस पे भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि स्टेप इनपुट पे, ठीक है ना, जब भी आप स्केलिंग परफॉर्म करते हैं स्टेप फंक्शन पे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यू ऑफ 2t करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यू ऑफ 100t करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि स्टेप इनपुट जो है वो जहां से जहां तक फैला हुआ है, सारी वैल्यूज के लिए उसकी वैल्यू कांस्टेंट है, 1 है। उसका एम्पलीट्यूड क्या है आपका, 1 है, ठीक है ना। 0 से इनफिनाइट तक उसका वैल्यू कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई स्टेप इनपुट पे स्केलिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या हो जाएगा आंसर, यू ऑफ ए टी इज इक्वल टू यू टी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको फर्स्ट थिंग यहां पर बताई स्टेप फंक्शन के बारे में, कि स्टेप फंक्शन में जब आप स्केलिंग परफॉर्म करते हैं तो यू ऑफ ए टी किसके इक्वल हो जाता है, यू टी के इक्वल हो जाता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कभी एग्जाम में आपका आंसर आया यू ऑफ 100t, लेकिन किसी ऑप्शन में यू ऑफ 100t नहीं है, बट एक ऑप्शन में आपको यूटी दिख रहा है, इसका मतलब आप यूटी पे टिक कर देंगे, क्योंकि यू ऑफ 100t एंड यूटी दोनों क्या है आपका, सेम है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नाउ अब अगर मैं यहां पर कुछ और ऑपरेशन परफॉर्म करूं, तो आप देखिए, अगर मैं यहां पर परफॉर्म करता हूं u ऑफ t प्लस 1, तो t प्लस 1 है मतलब किस साइड शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट की राइट, साइन बीच में प्लस का है मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, किससे शिफ्ट होगा आपका, 1 से, मतलब जो आपका 0 से स्टार्ट हो रहा होगा वो आपका स्टार्ट हो जाएगा माइनस 1 से, ओके। तो ये आपका 1 से लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, ये बन गया आपका यू टी प्लस 1। अब अगर मैं यहां पर यू टी माइनस 1 बना लूं, तो यू टी माइनस 1 कहां से स्टार्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है ये राइट साइड शिफ्ट होगा, तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, प्लस 1 से 1 टू इंफिनिटी पूरा चला जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या होगा हर एक पॉइंट पे, 1 होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, बेसिकली यू टी प्लस 1 बनाया और यू टी माइनस 1 बना लिया, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों सिग्नल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, मतलब यू टी प्लस 1 माइनस यू टी माइनस 1 अगर परफॉर्म करूं मैं यहां पर, तो क्या बन जाएगा, मैं यहां साइड में आपके लिए सिग्नल बना दूंगा ये वाला, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा यू टी प्लस 1 माइनस यू टी माइनस 1, ओके। तो आप देखिए क्या बनेगा, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, सिग्नल्स में भी उसी तरीके से ऑपरेशंस होते हैं लाइक मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन, जैसे आपके नंबर्स में होते हैं। बट सिग्नल्स पे आपको ध्यान क्या देना पड़ता है, कि जो टाइम की रेंज है ना वो सेम होनी चाहिए। टाइम की सेम रेंज में आप एम्पलीट्यूड को ऐड कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मतलब जो भी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिविजन या मल्टीप्लीकेशन करोगे वो आपको एम्पलीट्यूड पे करना है टाइम की सेम रेंज के लिए, ठीक है। तो अब आप देखो, यहां पर जो पहला सिग्नल है यूटी प्लस 1, वो माइनस 1 से लेकर पूरा इनफिनाइट तक उसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 1 है एम्पलीट्यूड, देख सकते हो एम्पलीट्यूड इज 1 फ्रॉम टाइम माइनस 1 टू इन्फिनिटी। यू टी माइनस 1
देखिए आप टाइम 1 टू लेकर इंफिनिटी तक, उसका एम्पलीट्यूड क्या है आपका 1 है। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करता हूं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जो ut प्लस 1 है वो माइनस 1 से लेकर टाइम की वैल्यू माइनस 1 से लेकर 1 के जस्ट पहले तक 1 है, लेकिन जो ut माइनस 1 है वो माइनस 1 से लेकर 1 के जस्ट पहले तक 0 है। तो अगर मैं माइनस 1 से लेकर 1 के जस्ट पहले तक सब्ट्रैक्शन को देखूं तो ये ऊपर वाला सिग्नल 1 है, नीचे वाला सिग्नल 0 है, तो 1 माइनस 0 कितना होगा आपका 1 ही होगा, ठीक है ना। तो मतलब माइनस 1 से लेकर 1 के जस्ट पहले तक सिग्नल का शेप आपका ऊपर वाला शेप ही होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला सिग्नल तो 0 है, ठीक है ना। एनीथिंग माइनस 0 विल बी एनीथिंग, एक्स माइनस 0 विल बी एक्स, ओके। अब आप देखिए 1 टू इंफिनिटी तक नीचे वाला सिग्नल भी 1 है, 1 टू इंफिनिटी तक ऊपर वाला सिग्नल भी 1 है, तो 1 टू इंफिनिटी तक दोनों सिग्नल 1 है। तो जब आप 1 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 0, मतलब पॉइंट 1 पर जैसे ही आप रीच करेंगे आपका एम्पलीट्यूड जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट 1 से दोनों ही सिग्नल क्या है आपके 1 है, तो पॉइंट 1 पे रीच करते ही आपका एम्पलीट्यूड क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्लियर है अच्छे से? तो आप देख सकते हैं कि जो ut प्लस 1 माइनस ut माइनस 1 आपका बना है, इट इज अ रेक्टेंगल फंक्शन, गेट फंक्शन, जो हमने लास्ट वीडियो में रेक्टेंगल फंक्शन या गेट फंक्शन स्टडी किया था ना, स्टैंडर्ड गेट फंक्शन, वही बना है यहां पर आपका, ठीक है। और एम्पलीट्यूड क्या बना है इसका 1 बना है, ठीक है। तो आप सीख गए कैसे हम लोग दो स्टेप इनपुट को सब्ट्रैक्ट करके एक रेक्टेंगल बना सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपके लिए टास्क को रिवर्स कर दूं, रिवर्स मतलब सपोज करिए आपको ये फिगर दिया हुआ है अब, ठीक है, और आपको इस फिगर का यूज करके अब आपको इक्वेशन लिखना है इसका, ठीक है ना। लास्ट में आपने क्या किया था, इक्वेशन के थ्रू फिगर बनाया, फिर दोनों फिगर को सब्ट्रैक्ट करके ये फिगर बनाया था आपने XT। अब आपको इस फिगर से इक्वेशन लिखना है। आपको पता है इक्वेशन क्या है, ut प्लस 1 माइनस ut माइनस 1, वी नो दैट, बट हम कैसे लिखेंगे। सपोज करिए आपको नहीं पता तो क्या होगा, आपको स्टार्ट करना है एक्सट्रीम लेफ्ट से। जब भी कोई रेक्टेंगल या कोई भी सिग्नल गिवन हो, हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करिए। तो एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे मतलब पॉइंट किससे स्टार्ट करेंगे, माइनस 1 से। तो माइनस 1 के पहले देखिए एम्पलीट्यूड क्या था आपका, 0 था, कुछ भी नहीं था ना एम्पलीट्यूड, मतलब 0। माइनस 1 वाले पॉइंट पे एम्पलीट्यूड 0 से इंक्रीज होकर कहां चला गया, 1 पर। तो आप लिखेंगे 1 इंटू यू टी प्लस 1, ठीक है ना, t प्लस 1 इक्वल टू 0 करिए, t की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1, तो ये बन गया माइनस 1 वाला पॉइंट। अब जब तक एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आ रहा तब तक आप भी कुछ मत करिए, चलते चलिए चलते चलिए। देखिए अब जैसे ही आप 1 पे पहुंचेंगे, टाइम 1 पे, t इक्वल टू 1 पे, एम्पलीट्यूड देखिए अचानक से 1 से 0 हो गया। अगर आप 1 पर हैं और आपको 0 पे जाना है तो आपको माइनस 1 करना पड़ेगा। तो यहां पर आप लिखेंगे माइनस 1, किस पॉइंट पर कर रहे हैं, 1 पे, दैट मींस u ऑफ t माइनस 1, t माइनस 1 को इक्वल करिए 0 के, तो t की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। यही था ना हमारा इक्वेशन, ut प्लस 1 माइनस ut माइनस 1। तो बस इसी तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, या अगर हमें फिगर दिया हो तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। क्लियर है अच्छे से? अब इसको समझने के लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल ले लेता हूं, ठीक है। देखिए इस एग्जांपल में आपको एक फिगर दिया है, स्क्वायर वेव दी है, जिसे आपको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो यहां पर मैं एक थोड़ा सा लॉन्ग एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको इस एग्जांपल को करने के बाद कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, किसी भी क्वेश्चन को आप इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, ओके। तो यहां पर ये पॉइंट है आपका माइनस 3 माइनस 2 0 1 2, ओके, ये एम्पलीट्यूड मैं ले रहा हूं 6, ठीक है ना, ये 6 हो गया आपका। ये एम्पलीट्यूड मैं ले रहा हूं यहां पर 10, और ये एम्पलीट्यूड मैं ले रहा हूं माइनस 8, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, क्या सिखाया हूं मैं, जब भी कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर वेव गिवन होना तो बहुत आसान है, आप हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करिए। एक्सट्रीम लेफ्ट को आप देखिए, पहला पॉइंट क्या है आपका माइनस 3 है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या है आपका माइनस 3 के पहले तो 0 था, माइनस 3 वाले पॉइंट पे इंक्रीज होके कहां तक चला गया 6 पर। तो क्या लिखेंगे, एम्पलीट्यूड इंटू यू ऑफ किस पॉइंट पर, टी प्लस 3, टी प्लस 3 को इक्वल करिए, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 3, ठीक है।
अब आप देखिए, अब आप कंटिन्यूअसली चलते जाइए आगे जब तक एम्पलीट्यूड में चेंज ना हो. यस, यहां पर देखिए आपका एम्पलीट्यूड 6 से 0 जा रहा है. नो, 6 से -8 जा रहा है. ये कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों को होता है. आप देखिए ये लाइन जो है वो 0 पर रुक नहीं रही है, वो एक्स एक्सिस पर रुक नहीं रही है, वो पूरा -8 तक जा रही है. तो 6 से अगर -8 तक जा रहा है, किस पॉइंट पर जा रहा है? -2 पर. तो 6 पर अगर आप हैं और -8 पर जाना चाहते हैं तो 6 माइनस ऑफ -8 14 हो जाएगा. मतलब आपको 6 में से -14 करना पड़ेगा तभी आप -8 पर पहुंचेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? -14 u ऑफ t प्लस 2. पॉइंट आपका -2 था ना, तो क्या लिख देंगे? t प्लस 2. अब आप यहां पर पहुंच गए हैं. अब आप चलते चलिए आगे जब तक अगला चेंज ना हो. अब देखिए इस पॉइंट पर, मतलब t इक्वल टू 1 पर, जो आपका एम्पलीट्यूड है वो -8 से सीधा सीधा 10 पर चला गया. मतलब -8 से 10 जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव होगा. तो -8 में ऐसा क्या ऐड करूं कि 10 पहुंच जाऊं? 18, ऑब्वियस सी बात है. तो कितना हो जाएगा? 18 u ऑफ कौन सा पॉइंट है? 1. तो u ऑफ t माइनस 1. अब आप देखिए इस पॉइंट पर, आप सीधा सीधा चलते चलिए. अब देखिए यहां पर t इक्वल टू 2 पर आप 10 से कहां जा रहे हैं? 0. मतलब अगर आपको 10 से 0 जाना है एम्पलीट्यूड में तो क्या माइनस करना पड़ेगा? -10. किस पॉइंट पर? 2 पॉइंट पर. तो -10 यू टी माइनस 2. तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहां पर. क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं किसी भी स्क्वायर वेव को या किसी भी रेक्टेंगल को इन टर्म्स ऑफ स्टेप फंक्शन. क्लियर है अच्छे से पॉइंट? ठीक है ना. तो अब हम लोग सेम जो ऑपरेशन हमने स्टेप फंक्शन पे पढ़े हैं, सेम ऑपरेशन वी विल स्टडी ऑन रैंप. ठीक है, तो रैंप पे आप देखिए, ऑपरेशन ऑन रैंप. तो यहां पर अगर मैं रैंप पे ऑपरेशन परफॉर्म करूं आपके लिए, तो रैंप फंक्शन पहले हम बना लेते हैं. आपका कुछ इस तरीके से बनता है, टी आर टी. ओके, और यहां पर मैं आपके लिए एग्जांपल ले रहा हूं यूनिट रैंप का, मतलब 1 पे 1. ओके, और आगे क्या हो जाएगा आपका? 2 पर 2, 3 पर 3, 4 पर 4 एंड सो ऑन. ओके, तो यहां पर मैं आपके लिए यूनिट रैंप का एग्जांपल लिया हूं. तो यहां पर आप समझिए, पहली प्रॉपर्टी आपकी फिर से वही है, स्केलिंग प्रॉपर्टी, जिसे हमें वेरीफाई करना है. अब अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल लू, आर ऑफ 2t परफॉर्म कर रहा हूं मैं, ठीक है. तो देखिए 2t का मतलब क्या होगा कि टाइम की हर एक वैल्यू पर 2 से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए यहां पर पहले कितना है? 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है. ठीक है ना, जो टाइम है वही एम्पलीट्यूड है, तभी तो आपकी स्लोप 1 है. नाउ अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 1/2, 2/2, 3/2, और यहां पर अगर मैं 4 वाली लाइन भी ड्रॉ कर लूं आपके लिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4/2, एंड ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? 4. तो आप देखिए पहले आपका 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 था. अब देखिए 2/2 1 पे कितना है? 2 है. 4/2 2 पे कितना है? 4 है. या आप इसको भी देख सकते हैं, हाफ हाफ पे कितना है? 1. 3/2 पर कितना है? 3. दैट मींस आपका एम्पलीट्यूड डबल हो गया. ठीक है ना, मतलब r ऑफ 2t इज इक्वल टू 2rt. तो उस तरीके से आप लिख सकते हैं r ऑफ at इज इक्वल टू art. ओके, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि जब आप स्केलिंग परफॉर्म करेंगे तो आपके एम्पलीट्यूड में भी चेंज आ जाएगा. क्लियर है अच्छे से? जबकि स्टेप में क्या था, स्केलिंग परफॉर्म करने से स्टेप फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता था. तो यहां पर हमें रैंप में ये बात ध्यान देनी होगी. ओके, अब यहां पर ध्यान से देखिए, जिस तरीके से स्टेप में हम लोगों ने स्क्वायर वेव को या स्टैंडर्ड रेक्टेंगल पल्स को रिप्रेजेंट किया था स्टेप में, उसी तरीके से हम लोग रैंप का यूज करते हैं ट्रायंगुलर पल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. सपोज करिए आपको एक ट्रायंगुलर पल्स यहां पर दी है एक्सटी. ओके, रेंज है टाइम की माइनस टी से प्लस टी, और एम्पलीट्यूड है आपका ए. ओके, तो यहां पर इसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग रैंप. ओके, तो जब भी हमें रैंप में रिप्रेजेंट करना हो तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लाइंस की स्लोप निकालते हैं. यहां पर भी हम एक्सट्रीम लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे. तो अगर मैं यहां पर लाइन की स्लोप निकाल लूं
तो ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा माइनस टी कॉमा जीरो और ये पॉइंट क्या हो जाएगा जीरो कॉमा ए. तो स्लोप क्या होती है y2 माइनस y1 मतलब a माइनस जीरो डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 दैट मीन्स जीरो ऑफ माइनस टी. तो कितना हो जाएगा a बाय टी. तो यहां पर आपकी स्लोप आ गई a बाय टी. वैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में भी इसकी स्लोप निकाल के दिखा चुका हूं इस स्टैंडर्ड ट्रायंगुलर पल्स की. और सिमेट्रिकल है फिगर तो यहां पर क्या आ जाएगी माइनस ए बाय टी. ओके तो अब आप ध्यान से देखें इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है. तो एक्स टी को आप इस तरीके से लिख सकते हैं. देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है आपका माइनस टी है. देखिए रैम टाइप का फिगर है बिल्कुल आपका. तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा माइनस टी और रैंप में आपको पता है रैंप के सामने जो होता है एम्पलीट्यूड वो उसकी स्लोप होती है. तो यहां पर आप स्लोप के फॉर्म में अपना आंसर लिखेंगे. तो पहली स्लोप है a बाई टी. ठीक है ना. किस पॉइंट पर है माइनस टी पर. माइनस टी वाले पॉइंट के पहले स्लोप कितनी थी जीरो क्योंकि माइनस टी वाले पॉइंट के पहले एम्पलीट्यूड जीरो था और कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड की स्लोप क्या होती है जीरो. तो माइनस टी वाले पॉइंट पे स्लोप एड हुई a बाई टी. तो माइनस टी वाला पॉइंट है तो क्या लिखेंगे आर टी प्लस टी. ओके अगर आप टी प्लस टी को इक्वल टू जीरो करें तो टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस कैपिटल टी. ओके अब आप देखिए जब तक स्लोप में कोई चेंज नहीं हो रहा आप भी चलते चलिए. अब देखिए इस पॉइंट पर टी इक्वल टू जीरो पर ठीक है आपकी स्लोप जो है वो ए बाई टी से माइनस ए बाई टी हो गई. तो ऐसा क्या एड किया होगा टी इक्वल टू जीरो पर क्या स्लोप की वैल्यू मैंने ऐड की होगी जिससे आपकी स्लोप जो है वो a बाई टी से माइनस a बाई टी हो गई. आपको एम्पलीट्यूड नहीं देखना है फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको स्लोप देखना है. तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप माइनस टू ए बाई टी एड करो तो a बाई टी से माइनस a बाई टी पहुंच जाओगे. किस पॉइंट पर ऐड किया है आपने t इक्वल टू जीरो पर मतलब क्या लिखोगे आप आर टी. ओके क्लियर है अच्छे से. नाउ अब आप देखो आगे आगे अगर आप देखो यहां पर लगातार आप चलते जाओ जब तक स्लोप चेंज ना हो. अब देखो आपकी स्लोप जो है t इक्वल टू टी पर वापस से जीरो हो रही है. मतलब t इक्वल टू टी पर आपने ऐसा क्या ऐड किया होगा कि माइनस ए बाई टी से आपकी स्लोप जीरो हो गई. ऑब्वियस सी बात है प्लस ए बाई टी ऐड किया होगा. किस पॉइंट पर t इक्वल टू टी पर. तो ये आपका आंसर आ गया. क्लियर है अच्छे से. तो इस तरीके से आप किसी भी ट्रायंगुलर पल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो इन फॉर्म ऑफ रैम फंक्शंस. ओके क्लियर है अच्छे से. तो याद रखिएगा यहां पर आपको स्लोप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. नाउ यहां पर मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं. ठीक है जहां पर आपको रैम में रिप्रेजेंट करना होगा अपने सिग्नल को. तो देखिए यहां पर टी टाइम एक्सिस. ओके मैं यहां पर एक एक्स टी सिग्नल ले रहा हूं जो कि आपका ट्रेपोजेडियल वेव फॉर्म है. ओके तो यह आपकी ट्रेपोजेडियल वेव फॉर्म कहलाती है. यहां पर आपके पॉइंट्स दिए हैं माइनस सिक्स माइनस फाइव जीरो फाइव सिक्स और ये गिवन है आपका ट्वेल्व. ओके तो इस एक्स टी को आपको रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ रैम्प. वैसे भी स्लोपी लाइन है ना स्टार्ट देखिए स्लोपी लाइन से हो रही है तो ऑब्वियस बात है रैम्प के फॉर्म में ही आप रिप्रेजेंट करोगे इसे. तो क्या सिखाया हो सबसे पहले आप इस लाइन की स्लोप निकालोगे. तो इस लाइन की अगर स्लोप हमें निकालना है तो ये पॉइंट कितना है माइनस सिक्स कॉमा जीरो और ये पॉइंट कितना है आपका ये पॉइंट है आपका माइनस फाइव कॉमा ट्वेल्व. ओके तो स्लोप क्या हो जाएगी y2 टू माइनस वाई वन ठीक है ना 12 माइनस जीरो अपॉन x2 टू माइनस एक्स वन माइनस फाइव माइनस ऑफ माइनस सिक्स तो माइनस फाइव प्लस सिक्स स्लोप आ जाएगी 12. ओके तो स्लोप हमने कैलकुलेट कर ली यहां पे 12 और ये स्लोप क्या हो जाएगी माइनस 12. फिगर आपका सिमेट्रिकल है तो यहां पर जो एम्पलीट्यूड था वही क्या आ गई आपकी स्लोप आ गई. कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूमेरिकल वैल्यू है. ओके तो अब आप देखिए अगर आप यहां पर एक्स टी को रिप्रेजेंट करने के लिए जाएं तो आपका सबसे पहला पॉइंट क्या है माइनस सिक्स है. उसके पहले स्लोप जीरो थी. माइनस सिक्स पर कितनी स्लोप ऐड हो रही है आपकी 12. तो 12 आर टी प्लस सिक्स. ओके अब देखिए स्लोप जब तक चेंज नहीं हो रही आप भी चलते चलिए आगे. ये पॉइंट रहा टी इक्वल टू माइनस फाइव. इस पर आपकी स्लोप कितनी हो गई देखिए t इक्वल टू माइनस फाइव पर स्लोप आपकी प्लस ट्वेल्व से जीरो हो गई. कॉन्स्टेंट लाइन आ गई ना. कॉन्स्टेंट लाइन की स्लोप क्या होती है जीरो. तो ट्वेल्व से जीरो करने के लिए हमें माइनस ट्वेल्व करना होगा
किस पॉइंट पर? t इक्वल टू 5 पर। आगे देखिए, अब जब तक स्लोप चेंज नहीं हो रही आप भी आगे बढ़ते जाइए। अब देखिए t इक्वल टू 5 पर स्लोप क्या हो रही है आपकी, 0 से माइनस 12 हो रही है, तो आप सिंपली माइनस 12 कर देंगे t इक्वल टू 5 पर। अब देखिए ये माइनस 12 वाली जो स्लोप है ये t इक्वल टू 6 पर 0 हो गई। ओके, तो 6 पर आपने ऐसा क्या ऐड किया होगा कि माइनस 12 से 0 हो गई? ऑब्वियस सी बात है आपने प्लस 12 ऐड किया होगा, तो आर टी माइनस 6, क्योंकि पॉइंट क्या था आपका 6 था, तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है ना, ट्रेपोजिडियल वेव फॉर्म का इन टर्म्स ऑफ रैम फंक्शंस। ओके, क्लियर है अच्छे से? नाउ एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए। सपोज करिए आपका डायग्राम एक गिवन है यहां पर, ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम है आपका। ओके, यहां पर ये आपको एक्स टी गिवन है 0 और ये टाइम की वैल्यू आपको गिवन है 3 और ये आपको गिवन है 9 एम्पलीट्यूड। ओके, तो आपको इसे फिर से रिप्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ रैम, ब्यूटी, एनीथिंग, मुझे नहीं पता, अब मैं आपको हिंट नहीं दे रहा यहां पर, आपको खुद से सोचना है कि हमें किस फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। तो आप सोचना स्टार्ट कर दो और मैं भी आपके लिए सॉल्व करना यहां पर स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर आपका जो स्लोपी लाइन है, तो सबसे पहले आपको क्या निकालनी पड़ेगी, स्लोप। देखिए स्टार्ट आपका स्लोपी लाइन है तो आप स्टार्ट तो स्लोप निकालने से कर दीजिए। तो ये पॉइंट कितना है आपका, ये पॉइंट है 3.9 और ये पॉइंट है 0.0, तो क्या हो जाएगा 9-0 अपॉन 3-0, ठीक है, y2-y1 अपॉन x2-x1, कितनी आ जाएगी स्लोप आपकी, 3 आ गई हमारी स्लोप, ठीक है, हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे। नाउ अब अगर मैं सिग्नल को यहां पर रिप्रेजेंट करने के लिए जाऊं तो पहला पॉइंट क्या है आपका, 0 है, तो 3RT स्लोप 3 है, पॉइंट 0 है। अब आप देखिए ये स्लोप आपकी लगातार ऐसे चलते जाएगी, अब पॉइंट 3 पर t इक्वल टू 3 पर आइए, अचानक से आपकी लाइन वर्टिकली वर्टिकल डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड आपका 0 हो गया अचानक से, ठीक है ना, लाइन आपकी वर्टिकल लाइन खिंचा गई अचानक से। तो क्या हुआ होगा एक्चुअल में, पहले तो आप 3 स्लोप से आगे बढ़ रहे थे, ठीक है, अब वर्टिकल लाइन की स्लोप तो इन्फिनिटी होती है, तो स्लोप के टर्म में आप इसे अब रिप्रेजेंट नहीं करने वाले हैं, ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि ये आपका एम्पलीट्यूड के टर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पर देखिए आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड आपका क्या था, 9 था, t इक्वल टू 3 पर जो हाईएस्ट एम्पलीट्यूड है वो 9 है, 9 से एम्पलीट्यूड आपका अचानक से 0 हो रहा है, तो यहां पर चेंज आपका हो रहा है एम्पलीट्यूड में। तो अभी अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जब एम्पलीट्यूड में चेंज होता है तो आप स्टेप फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, पर यहां पर आपको एक बात समझनी होगी, जब आप 3RT लिखते हो तो ये जो स्लोपी लाइन है ये पूरा इन्फिनाइट तक चले जाएगी, जो रैम फंक्शन होता है वो तो पूरा इन्फिनाइट तक जाता है ना एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो पहले आपको अगर इसे 9 पर रोकना है, एम्पलीट्यूड 9 पर अगर इसे स्टॉप करना है, तो सबसे पहले आपको स्लोप को 0 करना होगा, जैसे ही आप स्लोप को 0 करोगे वो उसी पॉइंट पर स्टॉप हो जाएगा, एम्पलीट्यूड 9 पर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो किस पॉइंट पर हम स्लोप को 0 करेंगे, t इक्वल टू 3 पर, तो -3 RT-3, पहले आपकी स्लोप 3 थी उसको आपने 0 किया तो यहां पर इस पॉइंट पर आ गया आपका। अब इसी पॉइंट पे जब 9 एम्पलीट्यूड है तो आपको 9 एम्पलीट्यूड को 0 बनाना है सेम पॉइंट पर t इक्वल टू 3 पर, तो अब आप क्या करोगे, अगर एम्पलीट्यूड को 0 बनाना है तो आपको स्टेप फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, तो -9 एम्पलीट्यूड कितना चेंज हो रहा है, 9 से आप 0 तक आ रहे हो ना एम्पलीट्यूड, ये t इक्वल टू 3 है ना, टाइम है 3, एम्पलीट्यूड कहां से कहां है, 9 टू 0, तो 9-9 ut-3। ओके, तो सबसे पहले आपने 3RT लिख के एक स्लोपी लाइन बनाई, पर वो स्लोपी लाइन आपकी पूरी इन्फिनाइट एम्पलीट्यूड तक चले जाएगी, तो सबसे पहले आपने उस स्लोपी लाइन को स्टॉप किया सेम स्लोप से माइनस करके, फिर आप एम्पलीट्यूड के थ्रू आप एक्स एक्सिस पर आ गए, टाइम एक्सिस पर आ गए। ओके, क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। ओके,
तो ये आपके कुछ ऑपरेशंस थे। हम लोग आने वाली वीडियो में और भी फंक्शंस या और भी ऑपरेशन स्टडी करेंगे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स के, लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी ऑपरेशन में कोई भी डाउट हो, कहीं से किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो इस वीडियो में, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए। इसके अलावा आप हमें मेल भी कर सकते हैं अपने डाउट्स के लिए। ओके, गुड बाय।